हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि आप जेंटली अपना फेस कैसे क्लीन कर सको विद द हेल्प ऑफ ओनली होम रेमेडीज। यस गाइस, आप उसे घर के सामान से कुछ आप अपना फेस अच्छे से क्लीन कर सकते हो और होम रेमेडीज से ही प्रोडक्ट से बहुत ही कम प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी और उससे आपका फेस भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो गाइस कीप वॉचिंग, विदाउट अ फर्दर डू लेट गेट स्टार्ट। सो गाइज, पहले यहाँ आपको दो चीज लेना है जो कि है टब। आप टोमेटो काट के ले सकते हो और हल्की सी मैंने 1/2 स्पून चीनी ली है विच इज शुगर। और गाइज, अब इसे अगर आपके पास कोई बड़ा चीनी का दाना हो या फिर तो आप उसे हल्का सा, बहुत ही हल्का सा आप उसे ग्राइंड कर सकते हो मिक्सी में, देन आप उसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करने अपने फेस पे। मैंने गाइस जैसा आपको दिखाया, मैंने कि हल्का सा शुगर लिया है। अगर आपके पास कोई बड़ा दाना हो चीनी का तो आप उसे बहुत ही हल्का सा आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। सो गाइस, पहले आपको टोमेटो हाफ कट कर लेना है। देन गाइस, टोमेटो डिप इनटू अ शुगर एंड देन गाइस जेंटली मसाज ऑन योर फेस। बहुत ही जेंटली मसाज करना है गाइस, क्योंकि जिसकी अगर सेंसिटिव स्किन होगी उस शुगर आपके स्किन को हार्श कर सकता है, तो आपको बहुत ही जेंटली मसाज करना है अपने फेस पे। और गाइस, यहाँ पे शुगर टोमेटो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है गाइस। जो टोमेटो है, शुगर टोमेटो का मिक्सचर आपके स्किन को एक्सट्रीमली इफेक्टिव फेशियल स्क्रब का काम करता है। आप उससे अपना फेस अच्छे से आपका फेस एक्सफोलिएट करने में वो हेल्प करता है आपको। और गाइस, शुगर जो है वो आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है और रीजनरेटिंग करता है फ्रेश न्यू वंस। आपके डेड स्किन सेल्स को हटा देगा और गाइस वहाँ पे आपके नए स्किन्स वहाँ पे फ्रेश रीजनरेट होने लगेंगे, तो ये हेल्प करता है। एंड गाइस, टोमेटो आपके स्किन को बहुत ही सूदिंग बना देता है, बहुत ही फ्रेश आपको रखता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। तो ये बहुत ही अच्छा है फेस के लिए। गाइस, आप अगर शुगर और टोमेटो यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छा है आपके फेस के लिए, आपको एक स्क्रबिंग और एक्सफोलिएट का। सो गाइस, आफ्टर 3-4 मिनट्स मसाजिंग के बाद मैं यहाँ पे अपना फेस कोल्ड वाटर से वॉश कर ली हूँ। आप ऐसे नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो, कोई भी आपको फेस वॉश यहाँ गाइज यूज़ नहीं करना है। आप नॉर्मल कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश कर लो और गाइज यहाँ पे अपना फेस डैबिंग मोशन में पैट करके अच्छे से सुखवा लो। यहाँ पे कोई आपको गाइज डैबिंग मोशन में नहीं पोंछना है। सो गाइज, आप देख सकते हो कि मेरा फेस थोड़ा हल्का फुल्का क्लीन हो चुका है। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन सेकेंड स्टेप में सबसे पहले गाइज आपको एक बाउल ले लेना है। आप कोई भी बाउल ले सकते हो। देन आपको गाइज यहाँ मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन एंड देन गाइज 1/2 टेबल 2 पिंच ऑफ टर्मरिक, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि आपका फेस बहुत ही येलो रखने लगेगा। फिर ओनली 2 पिंच ऑफ टर्मरिक एंड देन दोनों के इंग्रेडिएंट मिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगी गुलाबरी रोज़ वाटर। ये डाबर का है, सो आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ करो, जो भी आपके पास हो आप वही यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं जितने से इतना मिक्स हो जाए उतना ही मैं गुलाबरी ऐड करूँगी रोज़ वाटर एंड देन गाइज यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी एलोवेरा है आपके पास तो वही यूज़ कर लो। एंड गाइज यहाँ पे आप चंदन भी ऐड कर सकते हो अगर जिसके स्किन को सूट करें। देन गाइज यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। आप अपने फिंगर के हैंड से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं पहले तो 4 चीज़ मिलाया जी, विच इज़ बेसन, टर्मरिक एंड गुलाबरी रोज़ वाटर फॉर मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स एंड देन एलोवेरा जेल। सो अब गाइज इसे अप्लाई करेंगे। सो गाइज, जैसे पहले ही मैंने बोल दिया था कि मैं इसे फिंगर के हेल्प से ब्लेंड करूँगी। अगर आप ब्रश से, अगर आपको ब्रश से अच्छा लगता है अप्लाई करना तो आप ब्रश से करो, नो प्रॉब्लम। सो गाइज, मैंने अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है। आप नेक पे भी अप्लाई कर लो, अपने पूरे ओवरऑल फेस पे भी। सो गाइज, टर्मरिक आप जानते हो एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइज, पहले तो ये रिड्यूस कर देता है एक्ने को और रिजल्टिंग स्कार्स को भी हटा देता है और गाइज ये क्लियर अप करता है एक्ने ब्रेकआउट्स को भी, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। और गाइज, जो बेसन है उसके बेनिफिट्स तो आप लोग जानते ही हो, वो
टैन को भी रिमूव कर देता है, आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है और रिड्यूस कर देता है ऑयलनेस को भी, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और गाइज अगर आपके फेस पे कोई एंटी पिंपल्स है तो उसे भी रिमूव कर देता है। गाइज रोज़ वाटर एलोवेरा जेल, तो यू ऑल नो कितना बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए। एलोवेरा जेल तो हमारे एक्ने और जितने भी दाग धब्बे रहते हैं उन्हें हटा देता है, और रोज़ वाटर आपके पीएच लेवल को बैलेंस में रखता है और जितने भी रेडनेस रहते हैं स्किन पे, पफिनेस रहते हैं, उनको हटा देता है, तो बहुत ही अच्छा है। सो गाइज मैंने यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे 15 मिनट्स तक अपने फेस पे रखा, ड्राई होने देना। उसके बाद गाइज इसे आपने वॉश नहीं करना है, अपने हैंड पे आप 2-3-4 ड्रॉप्स वाटर ले लो एंड देन यू मसाज, जेंटली मसाज करना है आपके फेस को। स्क्रबिंग का ये बहुत अच्छा काम करता है और आपके जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं उन्हें भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसे वीकली में 2-3 डेज वीक में 2-3 डेज यूज़ करो तो ये बहुत बढ़िया है, आपके अच्छे से पोर्स को हटा देगा और आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को भी बहुत अच्छे से ये रिमूव कर देता है, और जिनके फेस पे टाइनी बम्स रहते हैं वो उन्हें भी रिमूव कर देता है। आप स्क्रब करोगे तो उससे बहुत अच्छा एक्सफोलिएट का भी हेल्प करता है आपके फेस पे, तो सो गाइज ये बहुत अच्छा है। देन गाइज यहाँ पे मैंने एज यूजुअल कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश कर लिया है एंड देन गाइज मैंने यहाँ पे डैबिंग मोशन में अपना फेस पोंछ लूँगी, और तो ये बहुत अच्छा है। सो आप तो बेसन और जो आपके टर्मरिक हैं वो स्क्रबिंग में बहुत अच्छा काम करता है आपके फेस के लिए, तो आप इसे यूज़ करो अच्छे से। देन गाइज मैं यहाँ पे अपना फेस अच्छे से डैबिंग मोशन में पोंछ लूँगी एंड देन गाइज यहाँ पे मैंने लिया है रॉ मिल्क, कच्चा दूध आपको लेना है, तो अगर आप कॉटन से हो तो आप कॉटन से लगा लेना, अगर आप अपने फिंगर से हेल्प से लगाना चाहते हो तो फिंगर से लगा लेना। यहाँ पे मैं कॉटन पे लगाऊँगी फिर फिंगर से लगाऊँगी। तो रॉ मिल्क गाइज बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए। सो गाइज जो रॉ मिल्क है ये इट्स अ गुड ट्रीटमेंट फॉर रिवर्सिंग टैन, प्रोटेक्टिंग योर स्किन अगेंस्ट सन डैमेज, आपके सन से आपके स्किन को बचाता है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। गाइज मिल्क तो स्पेशली फॉर ड्राई स्किन इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपके स्किन को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, तो जिनके ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो गाइज़ इसके बेनिफिट भी बहुत है, आपको ये एक्ने से ट्रीट करेगा और माइल्ड एक्सफोलिएटर का भी काम करता है, और गाइज ये साइंस ऑफ एजिंग को भी रिड्यूस करता है और आपके स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाता है, विच इज़ वेरी गुड। सो अगर जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसे गाइज आप अच्छे से 5-10 मिनट्स अपने स्किन पे मसाज करो अच्छे से अपने दोनों हैंड से। सो ये बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज भी रखता है आपके फेस को, और जिस हिसाब से मैंने बताया आपके फेस को लाइट एंड ब्राइटन बनाता है। तो यहाँ मैं 5 मिनट्स अपने फेस पर रुकूँगी देन मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। तो आफ्टर 5 मिनट्स आप अपने फेस को कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गाइज अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया आफ्टर 5 मिनट्स, देन यहाँ मैं फिर से अपना फेस अच्छे से पोंछ लूँगी। देन गाइज आपने लेना है गुलाबरी रोज़ वाटर, आपके पास अगर कोई टोनर हो तो आप टोनर वो यूज़ कर सकते हो, मैं भी इसे एज अ टोनर यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं गुलाबरी रोज़ वाटर ले रही हूँ। रोज़ वाटर गाइज ये इनके इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हेल्प करती है आपके एक्ने को रिड्यूस करने में, और इसके अंदर गाइज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि रिड्यूस करती है रेडनेस और पफिनेस को। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ 3 स्टेप्स करने के बाद मेरा फेस कितना ज़्यादा अच्छा और क्लीनर लग रहा है, और मुझे खुद को बहुत फ्रेश लग रहा था। सो आपका फेस क्लीन रहे तो आप अंदर से फ्रेश लगता है। सो गाइज लेट्स मूव ऑन 4th and last step विच इज़ मैं यहाँ पे गाइज आपके स्किन को ये सब करने के बाद मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। सो गाइज यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसे मैं गाइज मसाजिंग के लिए यूज़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि सारे स्क्रबिंग एक्सफोलिएट होता है हमारा फेस, हर चीज़ होता है, तो उसके बाद हल्का सा हार्श लगने लगता है, तो आप अपना फेस अच्छे से मसाज करो किसी कोई भी ऑयल लेके, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, या मैं फिगारो का ले रही हूँ। जिनकी ऑयली स्किन है गाइज वो ऑयल नहीं लगाना पसंद करते हैं, तो वो आप एलोवेरा जेल से अपना फेस अच्छे से मसाज कर सकते हो। तो जिनकी ड्राई स्किन है वो तो यही ले, क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन है वो ऑयल लगा सकते हैं आराम से। सो यहाँ पे मैं अच्छे से 2-3 ड्रॉप्स लेके मसाज करूँगी ओवरऑल माय फेस, अच्छे से आपका फेस भी मॉइस्चराइज हो जाएगा और आपके स्किन को भी थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा। तो यहाँ मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लूँगी।
सो गाइज आप देख सकते हो कि मेरा फेस सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद कितना अच्छा क्लीन हो गया और ग्लो कर रहा है, यू कैन सी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ गाइज इस मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा फ्यूचर में आने वाला वीडियो आप तक के पास इजीली पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो गाइज आप बहुत इस वीडियो में मैंने वो अपना फेस क्लीन किया है, बहुत ही घरेलू सामान से किया है जो कि सारे घर में ही रहता है। तो आप सारे प्रोडक्ट और रेमेडीज़ को यूज़ करके आप अपना इतने अच्छे स्टेप्स से आप अपना फेस क्लीन कर सकते। मैंने इस वीडियो में बस 4 स्टेप्स फॉलो किए थे, विच इज़ वेरी इजी, ओके, बहुत ही इजी मैंने बनाया था और अप्लाई किया था, तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड वाली चीज़ नहीं है गाइस। तो आप अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो ऐसे फेस क्लीन आप घर बैठे बैठे। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।